हाई एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज अपूर्वा, एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग रिचुअल के बारे में, और कैसे रेमेडी के बारे में, और कैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जो आपको 110% रिजल्ट देगी। ठीक है, बट एक चीज और, आप जब भी यू नो ऐसे कोई रेमेडीज करते हो, रिचुअल्स करते हो, उन चीजों पे एक्शंस भी आपने लेने हैं। यूनिवर्स क्या करता है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज देता है, लोगों को भेजता है एज एन अपॉर्चुनिटी। आपको उन अपॉर्चुनिटीज पे एक्शंस लेने होते हैं। जस्ट बैठे बिठा यू आर डूइंग रिचुअल्स, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, कैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप अपने गोल के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। टेक एक्शंस, अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट अपने आप को बस ओपन रखें एनर्जी वाइज। जस्ट टेल टू द यूनिवर्स कि आई एम ओपन टू रिसीव। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती चली जाएंगी। तो बेसिकली बात कर लेते हैं आज के रिचुअल के बारे में। आज का जो रिचुअल है ये रिलेटेड है हनुमान जी से। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं हनुमान जी से रिलेटेड, एंड ट्रस्ट में बहुत से लोगों को उसके रिजल्ट मिले हैं। हनुमान चालीसा के रिचुअल्स मैंने शेयर करे हैं, इफ यू वॉन्ट आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उनका एक स्विचवर्ड दिया हुआ है जो इंस्टेंटली काम करता है। ठीक है, तो आज की जो रेमेडी है ये भी कुछ ऐसे ही है। अगर आपको कुछ इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए उस केस में भी आप इसे कर सकते हो। अगर कोई ऐसा काम है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब भी आप इस रिचुअल को या फिर इस रेमेडी को कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें आप इसे किस किस सिचुएशन में कर सकते हो, पहली चीज़ आप इसे हर एक लाइफ की सिचुएशन में कर सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल गई है तो काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही हैं, या फिर कह सकते हैं कि एग्जाम पास करना है, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेमोरी इशूज हैं, कॉन्फिडेंस इशूज हैं, बहुत डर लगता है, फियर लगता है। ऑल्सो अगर आपको अनवॉन्टेड एंड अनइन्वाइटेड एनर्जीज का डर लगता है, कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में भूत प्रेत वगैरह, देन डेफिनेटली आप इस रिचुअल को कर सकते हो। साथ में अगर बात करें मैनिफेस्टेशन की, आपकी कोई भी विश है, मैरिज से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, या फिर कोर्ट केस का कुछ इशू है, कुछ भी है, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसी रेमेडी है जो हर एक सिचुएशन में काम करेगी। किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप इसे तब भी यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट आप इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप सपोज करें किसी सिचुएशन में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपको इंस्टेंटली हेल्प चाहिए, या फिर इंस्टेंटली प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर इंस्टेंट हेल्प आपको किसी सिचुएशन में चाहिए, तो स्टार्ट चैंटिंग दिस जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या आपने करना है। ठीक, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 12 नाम है हनुमान जी के। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उदधिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा। ये अगर नाम आप पढ़ना शुरू करते हो, आपकी लाइफ में अपने आप चेंजेस आएंगे, एंड आप खुद से चीजों को देखोगे होते हुए। ठीक है, आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप साथ में ये भी करना स्टार्ट कर लो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी वाइब्रेशंस तो इन्हांस करेगा ही करेगा, जो आपकी मैनिफेस्टेशन के ब्लॉकेजेस हैं उनको भी रिमूव करेगा। यानी कि जो चीज़ें जो फंसी हुई हैं या फिर धीरे धीरे रुक रुक के हो रही हैं, वो और जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं किसे करना है। ये 12 नाम यहाँ पे हैं, ये 12 नाम हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसे इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे करना है। जैसे मैं और स्विच वर्ड्स आपको बताती हूँ, इसको भी आपने वैसे ही करना है। पहली चीज़, आप इन्हें जब डेली चैंट करोगे आपको याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप इसे अच्छे से याद कर लें, इफ याद नहीं भी होते हैं, जब भी आपको इमरजेंसी पड़ती है स्टार्ट चैंटिंग इन योर माइंड। माइंड चैंटिंग आपने करनी शुरू कर देनी है। माइंड चैंटिंग क्या होती है, जिसमें आप कुछ भी मुंह से बोलते नहीं हो, ना ही फुसफुसाते हो, हर एक चीज आपका मुंह बंद रहता है, एंड आप हर चीज को अपने माइंड में चैंट कर रहे होते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल माइंड चैंटिंग। तो जब भी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, या फिर आपको लगता है कि इंस्टेंट हेल्प कहीं से कुछ आ जाए, ठीक है, तो इन दैट केस आप यू नो इसको अपने माइंड में चैंट करना शुरू कर दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सपोज कोई विश आपने फुलफिल करनी है। ठीक है, आप बहुत टाइम से कुछ चीज को मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो, एंड अगर आप यू नो इसे ट्राई करना चाहते हो, आप इसे कर सकते हो। आपने एक जर्नल बनाना है,
जर्नल को आपने ऑरेंज कलर का जो कवर है उससे आपने कवर अप कर देना है, ठीक है। हनुमान जी की एनर्जी है ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर जो है हनुमान जी को चढ़ता भी है, तो उसको और ऑस्पिशियस बनाने के लिए जर्नल को आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पेन लेना है, ठीक है। पेन में आप ब्लू कलर यूज कर सकते हो या फिर आप रेड कलर भी यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ब्लू यूनिवर्सल, अगर आपको आप चाहें तो आपको कुछ समझ नहीं आता, ब्लू कलर भी यूज कर सकते हो। ब्लैक को आपने अवॉइड करना है। आपने अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि थैंक यू सो मच लॉर्ड हनुमान, मेरा ये जो विश है ये पूरा हो चुका है, या फिर थैंक यू सो मच लॉर्ड हनुमान, मेरा ये एग्जाम क्लियर हो चुका है, थैंक यू सो मच लॉर्ड हनुमान, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, थैंक यू सो मच लॉर्ड हनुमान, मेरा ये इंटरव्यू क्रैक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने ये 12 नामों को लिखना है। ये 12 नाम अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसकी 21 टाइम्स चैंटिंग करनी है इन 12 नामों की आपने, यानी कि जब आप 12 नामों को पढ़ेंगे, यानी कि एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ना है, तीसरी बार, ऐसे आपने 21 टाइम्स इसको डेली चैंट करना है। धीरे 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 आपकी जो भी सिचुएशन है, विश है, कुछ भी है, वो चेंज होती हुई आपको दिखेगी। विश है तो फुलफिल होती हुई दिखेगी, कोई सिचुएशन है, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी लाइफ में चल रहा है कि अच्छा नहीं है, या फिर आप यू नो बिल्कुल भी खुश नहीं हो, परेशान हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप इसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये आप इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज यू नो आप इसकी शक्तियों को और इंक्रीज करना चाहते हो, आप इसको जहां उठते बैठते आप इसे माइंड चैंटिंग कर सकते हो। अब क्वेश्चन आने वाला है मुझे कि फीमेल्स जो है पीरियड्स में से कैसे करें, ठीक है। आप इसकी माइंड चैंटिंग कर सकते हो, माइंड चैंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने इसको मुंह से नहीं बोलना है, दैट इज इट, ये आप रिस्ट्रिक्शन है। बट स्टिल अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बीच में इस प्रोसेस को पॉज कर सकते हो, जब आप ठीक हो जाएंगे पीरियड्स के बाद में आप इसे फिर से करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, ठीक है। इसे कब तक करना है, कम से कम इसको 45 डेज तक तो करना ही करना है, बट अगर आप लोग चाहो तो इसे और लंबे टाइम तक के लिए कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है, मतलब इट्स नॉट जस्ट लाइक विश फुलफिलमेंट के लिए ही है, ये आपको बहुत सी चीजों में हेल्प करेगा, आपकी विशेज में तो हेल्प करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उनसे आपको ये बचाएगा भी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, प्लस ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं आपको इंस्टेंट प्रोटेक्शन चाहिए, ये 12 नामों को आप एक बार चैंट करके बाहर अपने काम के लिए जा सकते हैं। आप सपोज कर ट्रैवल कर रहे हैं, आप तभी से कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई रिचुअल आप कर रहे हैं, ठीक है, यू वॉन्ट प्रोटेक्शन अराउंड यू, कोई रिचुअल आप कर रहे हैं, प्रोटेक्शन आप मांगते हैं आर्कएंजल माइकल से, राइट। अगर आप हनुमान जी से प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, सिंपली उनके 12 नामों को आप ये चैंट करें एंड दैट इज इट। तो ये 12 नाम जो है ये बहुत 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 पावरफुल है, सो डू ट्राई दिस एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। मेरा मोस्टली जो मेजर मोटिव रहता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको आप इजिली ठीक कर पाए, ठीक है। एंड ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। सर आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज आई है तो यानी कि उसका कुछ रास्ता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, वरना यूनिवर्स वो चीज आपके दिमाग में डालता ही नहीं, ठीक। तो जस्ट ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, चीजें अपने आप धीरे धीरे होंगी, ठीक है। सो यार आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय, थैंक यू सो मच।